very good afternoon everyone. Welcome to Abhiraj IAS Academy. Today we are here again with editorial analysis of the Hindu. Today's date is 5th of May. आज का सुबह का editorial देखते हैं क्या आया है. आज का जो editorial हम लोग करने जा रहे हैं वो थोड़ा finance related है. Okay, financial terms में है. तो let's see क्या है. Service sector के ऊपर है. Titled as service sector's resilience may be tested as global demand cools. Resilience का मतलब क्या होता है? What is the meaning of resilience? Resilience means आप किसी obstruction को या आप किसी problem को कितना withstand कर सकते हैं. That is the meaning of resilience. So मतलब service sector का जो resilience है वो कितना withstand कर सकता है, कितना situations को समझ सकता है, उससे आगे खड़ा रह सकता है, वो कैसे test कर सकते हैं. जैसे जैसे global demand क्या होते जा रही है, कम होते जा रही है. ठीक है, global demand cools. Okay, let's see ये बढ़ रहा है service sector, घट रहा है, क्या चल रहा है. ठीक है, उससे पहले words देख लेते हैं. पहला word है dithering. डिथरिंग का मतलब होता है टू बी अनेबल टू डिसाइड समथिंग. डिथरिंग का मतलब होता है कन्फ्यूज इंसान, जो कभी इधर कभी उधर चलते रहते हैं लेकिन कभी डिसाइड कुछ नहीं कर पाते हैं, एग्जैक्ट कोई एक्यूरेट डिसीजन पे नहीं पहुंच पाते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड एज डिथरिंग. सिनोनिम इसका हो जाता है डाउटफुल होना. ऑब्वियसली जब आप कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहे हो, आप इधर उधर सोच रहे हो. ही इज बीन डिथरिंग टू डिसाइड फॉर विच कोर्स ही शुड परस्यू आफ्टर ट्वेल्थ. मतलब ही इज डिथरिंग वेयर ही शुड परस्यू सी ए और एम बी ए आफ्टर ट्वेल्थ. तो वो सोच ही रहा है, डिथर कर रहा है, मतलब इसी के आगे पीछे घूम रहा है, बार बार कन्फ्यूज हो रहा है कि उसे क्या करना चाहिए. हेजिटेट करना या अनश्योर होना किसी चीज़ के लिए. ठीक है, या तब डिथर करते हो, अदरवाइज यू आर वेरी कन्फर्म्ड अबाउट इट या वेरी डेफिनेट अबाउट इट. ओके, यू आर वेरी सर्टन अबाउट इट या श्योर अबाउट इट. सो डिथरिंग मीन्स वॉट? टू बी अनएबल टू डिसाइड समथिंग. वैन यू आर मीन्स आई एम डिथरिंग ऑन द थॉट्स ऑफ चूजिंग करियर. ठीक है, मतलब हम करियर चूज करने के थॉट्स पे क्या कर रहे हैं? डिथर कर रहे हैं, सोच रहे हैं. नेक्स्ट वर्ड इज रिटरेट. ये वर्ड बहुत बार आया है, ये शायद हमारे एडिटर का फेवरेट वर्ड आप कह सकते हैं. ठीक है, रिटरेट ये बहुत बार आया, मतलब टू रिपीट एन ओपिनियन और समथिंग, रिपीट करना. अब रिटरेट हर बार बहुत अलग अलग टर्म्स में यूज होता है, लेकिन रिटरेट का मतलब ही क्या होता है? रिपीट करना. यहाँ पर रिपीट एन ओपिनियन और स्टेटमेंट, तो रीस्टेट करना, रिहर्स करना. ठीक है, रिहर्स करना भी बोल सकते हैं. ओके, एंटोनिम क्या हो जाएगा इसका? वंस, या तो बहुत रिपीट करते हैं या फिर एक बार कहते हैं किसी चीज़ को. ठीक है, द टीचर रिटरेटेड अस, द टीचर रिटरेटेड द पोएम टू अस. ठीक है, मतलब टीचर ने पोएम को रिटरेट किया, बार बार रिटरेट करके बताया. ठीक है, द टीचर एक्सप्लेन्ड, द टीचर रिटरेटेड द एक्सप्लेनेशन टू अस. मतलब टीचर ने बार बार रिटरेट करके समझाया. ठीक है, पर्सपेक्टिव, पर्सपेक्टिव का एक मतलब होता है नज़रिया. लुक फ्रॉम हिस पर्सपेक्टिव, प्लीज़ लुक फ्रॉम माई पर्सपेक्टिव ऑल्सो. मेरे पर्सपेक्टिव से भी देखो, मतलब मेरे नज़रिए से भी देखो, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखो. यहाँ पे टू लुक अपॉन समथिंग इन अ मच रीजनेबल वे, मतलब आप जब देख रहे हैं उसको, एस्पेक्ट को अप्रोच एक बेटर अप्रोच के साथ देखना चाह रहे हैं कि इसको अगर इस सिचुएशन में डाल के देखते तो उसका क्या होगा. दैट इज़ ऑल्सो पर्सपेक्टिव. सो एस्पेक्ट, अप्रोच. ठीक है, तो या तो आप किसी चीज़ को बहुत ध्यान से केयरफुली देखते हो कि वहाँ फिट बैठ रहा है नहीं बैठ रहा है, अप्रोच देख लेते हो अच्छे से. ठीक है, या फिर आप उसे इग्नोर कर देते हो, या फिर वो आपके लिए क्या हो जाता है? अननोइंग हो जाता है. ओके, नेक्स्ट वर्ड इज़ प्लग्ड. ठीक है, प्लग्ड का मतलब होता है टू फिट अ होल और पॉट विथ समथिंग, मतलब कोई दो चीज़ों में डिफरेंस को भरना. ठीक है, प्लग्ड बेसिक एकदम लिटरल मीनिंग में जाएंगे तो एक बोल सकते हैं एक पॉट हो या होल हो उसको भरना. बट एक सेंटेंस में या फिर इसमें कैसे यूज़ हो रहा है प्लग्ड? प्लग्ड का मतलब हो जाता है जब कोई डिफरेंस, दो चीज़ों में डिफरेंस है उसको हम लोग भर रहे हैं, लेबल करके बराबर कर रहे हैं. दैट इज व्हाट इज प्लग्ड. ओके, दैट मीन्स टू क्लोज, टू फिल, टू ऑब्स्ट्रक्ट समथिंग. ओके, एंटोनिम क्या हो जाएगा? अनप्लग का अनप्लग और डिस्कनेक्ट करना. ठीक है, प्लग का अनप्लग या फिर डिस्कनेक्ट करना. नेक्स्ट वर्ड इज रिसर्च. रिसर्च का मतलब होता है जब कोई चीज़ बहुत ख़राब हो जाती है और वो वापस रिराइज करती है, वापस से राइज करती है, इट अगेन स्टार्ट्स रिबिल्डिंग इट सेल्फ. ठीक है, दैट इज कॉल्ड रिसर्च. टू राइज अगेन फ्रॉम एज इफ फ्रॉम द डेड, मतलब एकदम खत्म हो गए थे. ठीक है, और फिर वापस वहाँ से उठ कर आ रहे हैं, देन दैट इज वॉट इज कॉल्ड एज रिसर्च. इसे रिवाइव करना. ठीक है, रीस्टैब्लिश करना. ओके, द सर्विस सेक्टर इज रिवाइविंग इट सेल्फ, मतलब वो अपने को रिवाइव कर रहा है, वो अपने को वापस रीस्टैब्लिश कर रहा है, रिसर्च हो रहा है. द रिसर्च इन द रिसर्च इन द नीड ऑफ एम बी ए स्टूडेंट्स इज इंक्रीजिंग डे बाई डे, मतलब या फिर द रिसर्च इन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपियरिंग फॉर एम बी ए स्टूडेंट्स एम बी ए एग्जामिनेशन इज इंक्रीजिंग, मतलब देर इज़ अ रिसर्च, मतलब वापस से एम बी ए स्टूडेंट्स के जो एग्जाम्स हैं वो बढ़ते जा रहे हैं. ठीक है, एम बी ए में लोग वापस एडमिशन बहुत ज़्यादा ले रहे हैं. बीच में टाइम आया था जब लोग शायद कम चूज़ करने लगे थे उस प्रोफेशन को. ठीक है, बट वापस उनकी डिमांड बढ़ गई है तो सप्लाई भी वापस वैसे ही बढ़ रही है. ठीक है,
रिवाइव करना, रीस्टैब्लिश करना, अंडरिम क्या हो जाएगा, डिक्लाइन करना, डिसेंड करना, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज ऑगर। ऑगर का मतलब होता है किसी चीज़ का आउटकम, रिजल्ट, कोई चीज़ आपने की, ठीक है, उसका ऑगर। तो दैट इज़ गुड और बैड आउटकम ऑफ एन इवेंट, चाहे तो वो अच्छा आउटकम हो सकता है चाहे फिर बुरा आउटकम हो सकता है। सिनोनिम क्या हो जाएगा, पोर्टेंट या हेराल्ड, ठीक है। एंटोनिम हो जाता है डिटरमाइन करना या इंश्योर होना। देखिए यहाँ पर आपको नहीं पता है कि इसका आउटकम अच्छा होगा या बुरा, ठीक है, तो उसका अपोजिट क्या हो जाता है, आप डिटरमाइंड है कि इसका जो भी रिजल्ट आएगा वो ऐसा ही होगा, या आप काफ़ी इंश्योर कर रहे हैं किसी को, ओके। नेक्स्ट वर्ड इज कोरोबोरेटेड। कोरोबोरेटेड का मतलब होता है सपोर्ट करना, किसी को जब हम सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, कोरोबोरेटेड, टू सपोर्ट एन आइडिया, किसी आइडिया को सपोर्ट करना, ओके। लाइक सिनोनिम क्या हो जाता है, आप कोरोबोरेट कर रहे हो, सपोर्ट कर रहे हो, तो किसी ने आपसे पूछा तो आप प्लीज़ इसे ऑथेंटिकेट कर दो, मुझे आपके ऑथेंटिकेशन की ज़रूरत है, डैट मीन्स व्हाट, आप मुझे बता दो ये सही है या नहीं, या आप अपना राय दे दो एक बार, सपोर्ट कर दो, ठीक है, दैट इज़ ऑथेंटिकेट, या वैलिडेट करना उस चीज़ को, अपने डिसीजन को वैलिडेट करना। एंटोनिम क्या हो जाएगा, आप या तो आप उसे सपोर्ट करोगे या फिर आप कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स दोगे उसके अगेंस्ट, आप उसके बात को काटोगे, ठीक है, दैट इज़ व्हाट इज़ कॉन्ट्राडिक्ट करना या फिर अपोज करना, उस चीज़ को अपोज करना, अगेंस्ट में जाना, या आप सपोर्टिव होते हो, ठीक है, फिर आप अगेंस्ट में होते हो, ठीक है, दैट इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड एज अपोज। सो कोरोबोरेटेड मीन्स टू सपोर्ट एन आइडिया, किसी आइडिया को हाँक बंद करके सपोर्ट करना, ठीक है, उसके मत में खड़े होना, देन दैट इज़ व्हाट इज़ मीन बाय कोरोबोरेटेड। चलिए अब देखते हैं, इंडिया सर्विस सेक्टर सीम्स टू हैव हैड अ ग्रेट स्टार्ट टू द फाइनेंशियल ईयर। तो इंडिया का जो सर्विस सेक्टर है ऐसा लग रहा है कि उसका स्टार्ट इस फाइनेंशियल ईयर में काफ़ी अच्छा हुआ है, काफ़ी हैपनिंग स्टार्ट हुआ है, ठीक है, काफ़ी सक्सेसफुल स्टार्ट हुआ है। इफ़ वन वेयर टू गो प्योरली बाय द फाइंडिंग्स ऑफ द S&P ग्लोबल सर्विसेज PMI बिजनेस एक्टिविटी इंडेक्स, अगर हम एक रिपोर्ट S&P ग्लोबल सर्विसेज ने रिलीज़ की है, अगर उसकी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जाएं, तो ऐसा लगता है कि इंडिया का जो फाइनेंशियल सर्विसेज का स्टार्ट है या इंडिया का जो सर्विस सेक्टर का स्टार्ट है वो इस साल क्या है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। इंडिया का सर्विस सेक्टर काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, इट हैज़ स्टार्टेड विद अ ग्रेट बूम इन दिस फाइनेंशियल ईयर इफ़ वी अग्री विद द रिपोर्ट ऑफ व्हाट S&P ग्लोबल सर्विसेज PMI बिजनेस एक्टिविटी इंडेक्स, ठीक है, बेस्ड ऑन सर्वेज ऑफ अराउंड 400 फर्म्स। तो ये एक सर्वे कंडक्ट कराया गया था जिसमें कितने फर्म्स ने पार्टिसिपेट किया था या कितने फर्म्स को लेकर ये सर्वे हुआ था, 400 फर्म्स को लेकर हुआ था, अक्रॉस सेगमेंट्स सच एज कंज्यूमर सर्विसेज, फाइनेंस एंड कम्युनिकेशन। तो किस सर्विस सेक्टर यूनिट को यहाँ इंक्लूड किया गया था, वो है कंज्यूमर सर्विस जो प्रोवाइड करते हैं, फाइनेंस सर्विस प्रोवाइड करते हैं, और कम्युनिकेशन, ठीक है। द इंडेक्स रीडिंग स्टूड एट 62 इन अप्रैल, और ये जो इंडेक्स रीडिंग आई थी कितने की आई थी, इस रीडिंग 62 की आई थी, ठीक है, ओके। इंडिया का सर्विस रीडिंग क्या आया था, 62, द हाईएस्ट सीजनली एडजस्टेड फिगर इन 153 मंथ्स और नियरली 13 ईयर्स, जो कि 13 साल में अभी तक सबसे हाईएस्ट रहा है, ठीक है, इंडिया के लिए 13 ईयर्स में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट कोई स्कोर आया है, डैट इज 62, जो अप्रॉक्स 153 मंथ्स या फिर बोल सकते हैं 13 साल में सबसे ज़्यादा रहा है। अ रीडिंग ऑफ ओवर 50 ऑन द इंडेक्स कंस्ट्रक्टेड सिंस 2005, ये रीडिंग कैसे कब से बनाई गई है, 2005 से ऐसा माना जाता है, या ये रीडिंग इंडेक्स आया था कि अगर आपका रैंक 50 से ऊपर आता है, इसका मतलब है कि आपका जो सेक्टर है वो काफ़ी अच्छा ग्रो कर रहा है, ठीक है, और हमारी रैंक कितनी आई है, 62 आई है, तो इसका मतलब काफ़ी अच्छा है। कंस्ट्रक्टेड सिंस 2005 इंडिकेट्स एन एक्सपांशन इन एक्टिविटी लेवल्स रिलेटिव टू द प्रीवियस मंथ, ठीक है, तो ये शो करता है कि देर इज़ इंक्रीज इन एक्टिविटी, ठीक है, देर इज़ एन इंक्रीज इन एक्टिविटी लेवल्स रिलेटिव टू प्रीवियस मंथ, पिछले मंथ से ज़्यादा रिलेटिव, आप कह सकते हैं पिछले मंथ से ज़्यादा यहाँ पर एक्टिविटी हुई है, या पिछले मंथ से ज़्यादा एक्सपेंशन दिख रहा है हमें सर्विस सेक्टर में, ठीक है। टू पुट द अप्रैल नंबर इन पर्सपेक्टिव, अगर हम अप्रैल मंथ के जो नंबर्स हैं उनको ध्यान से देखें, तो द एवरेज PMI रीडिंग फॉर सर्विसेज थ्रू 22-23 वॉज अराउंड 57.3, तो अगर हम अप्रैल मंथ में देखें तो कितना रीडिंग था हमारा इस इंडेक्स का, 57.3, ठीक है। द इंक्रीजिंग इंपॉर्टेंस ऑफ द सर्विस इकोनॉमी टू इंडियाज टोटल आउटपुट एंड जॉब क्रिएशन डज नॉट नीड टू बी रिटरेटेड, तो मुझे बार बार ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि इंडिया में सर्विस सेक्टर का क्या इंपॉर्टेंस है, और सर्विस सेक्टर इंडिया के GDP में या फिर इंडिया के ग्रोथ में या फिर इंडिया में एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने में कितना ज़्यादा तत्पर है, या कितने अच्छे से काम कर रहा है, या कितना हेल्पफुल है, ओके, मुझे बार बार ये रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। As per
आर द सेकेंड एडवांस नेशनल इनकम एस्टिमेट्स फॉर 2022-23. तो जो नेशनल इनकम का भी एस्टिमेट आया है, द ग्रॉस वैल्यू एडिट मतलब GVA ग्रोथ फ्रॉम इंडस्ट्री एज अ होल स्लिप टू 4.5% विथ मैनुफैक्चरिंग ट्रिपिंग टू जस्ट 1.6%. तो ये ग्रोथ रेट जो 4.1% का है वो सर्विस सेक्टर की वजह से ही है. मैनुफैक्चरिंग कितने पे है? सिर्फ 1.6% पे है. बोथ ऑफ देम हैड ग्रोन एट अराउंड 10% इन 2021-22. जो कि अगर 21-22 के हिसाब से देखें तो कितना ग्रोथ आया है इन दोनों सेक्टर में? 10% का इंक्रीज आया है. ठीक है. सर्विसेज GVA ऑन दी अदर हैंड इज एक्सपेक्टेड टू हैव ग्रोन 9.1% ड्यूरिंग द ईयर, एक्सेलरेटिंग फ्रॉम 8.4% इन प्रीवियस ईयर. तो पिछले ईयर का ग्रोथ कितना था? 8.4%. और इस साल का ग्रोथ आया है मेरा 9.1%. तो ये हम 8.4% से बढ़कर कहाँ पहुँच गए हैं? 9.1% दिस करेंट ईयर में. Along with a pickup from the farm sector, services is expected to lift GVA growth in 22-23 to 6.7% with GDP rising 7%. तो ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है, ऐसा प्रेडिक्ट किया जा रहा है. इट इज़ एक्सपेक्टेड कि जो फार्म सेक्टर है मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर है और जो सर्विसेज हैं वो कितना 6.7% का ग्रोथ देने वाली है और GDP में कितना GDP हमारा राइज करके 7% पहुँच सकता है. ठीक है. विथ GDP राइजिंग 7%. तो मतलब इन टोटल आप कह सकते हैं ये जो ऑथर हैं ये इस बार काफ़ी तारीफ कर रहे हैं सर्विस सेक्टर की. ही इज़ वेरी पॉजिटिव अबाउट सर्विस सेक्टर. ठीक है. आपने टोन्स सुने होंगे. हर पैसेज का, हर ऑथर का अपना एक टोन होता है. करेक्ट है. तो यहाँ पर जो पैसेज का टोन है वो कैसा लग रहा है? पॉजिटिव लग रहा है. ऑथर काफ़ी पॉजिटिव हैं, काफ़ी इंफॉर्मेटिव हैं. आपको एक तो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, नंबर्स प्रोवाइड कर रहे हैं. ही इज़ वेरी इन्फॉर्मेटिव एंड ही इज़ वेरी पॉजिटिव अबाउट द सर्विस सेक्टर इन इंडिया. ठीक है. On the trade front, India's services exports are estimated to have hit a record of $325 billion in 22-23, reflecting a growth of almost 28% over the previous year. तो उन्होंने फिर बताया कि इंडिया के जो सर्विसेज एक्सपोर्ट्स हैं वो उन्होंने एक रिकॉर्ड हिट किया है. कितना? $325 billion का. ठीक है. जो कि 28% ज़्यादा है पिछले साल से. ठीक है. द स्ट्रॉन्ग अपटिक, स्ट्रॉन्ग अपटिक का मतलब जो स्ट्रॉन्ग राइज आया है, सडन राइज आया है, जो इंक्रीज इन ट्रेंड हुआ है इन सच इनटैंजिबल ट्रेड. इनटैंजिबल मतलब क्या होता है? वो असेट जिसको आप देख नहीं सकते, जिसे आप सिर्फ फील कर सकते हैं, छू सकते हैं, जिसका ग्रोथ प्रोस्पेक्टिव आप देख सकते हैं सिर्फ. ठीक है. जैसे गुडविल इनटैंजिबल होता है. ठीक है. जिसे आप सिर्फ क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं कि अच्छा इस दुकान का बहुत नाम है. वो नाम दिख तो नहीं रहा बट आप उसको फील कर सकते हैं. करेक्ट है. टच नहीं कर सकते ना कि अच्छा इस दुकान का बड़ा नाम है. वो कहाँ टच नहीं होता है. दैट इज समथिंग विच कैन बी सीन और यू कैन से फेल्ट. ठीक है. फेल्ट बाय इमोशंस एंड द रिजल्टेंट सरप्लस विज़ इंपोर्ट्स ऑफ सर्विसेज हैव सिग्निफिकेंटली प्लग्ड द होल इन इंडियाज करंट अकाउंट डेफिसिट. तो देखिए करंट अकाउंट डेफिसिट का मतलब क्या होता है? इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट में डिफरेंस. करेक्ट. तो अगर आपका इम्पोर्ट ज़्यादा होगा मतलब आप बाहर से ज़्यादा मंगाएंगे तो आप डेफिसिट में रहेंगे और अगर आप एक्सपोर्ट ज़्यादा करेंगे तो आप सरप्लस में रहेंगे. तो इंडिया में जो ये जो सर्विस सेक्टर जो हम बाहर भी इस्टेब्लिश कर रहे हैं और बाहर भी भेज रहे हैं उससे एक फ़ायदा क्या हुआ है? दैट देयर इज सडन इंक्रीज. यू कैन सी देयर इज़ अ डिफरेंस. जो डेफिसिट था वो डेफिसिट अब क्या हो गया? बैलेंस हो गया है. जो बैलेंस जो इंडिया का करंट अकाउंट डेफिसिट था वो भी क्या हो गया? बैलेंस हो गया है सर्विस सेक्टर की वजह से. वो प्लग्ड हो गया है. वो जो होल है वो बंद गया है या भर गया है. वो डिफरेंस खत्म हो गया या कम हो गया है काफ़ी, क्योंकि अब हमारे पास हम एक्सपोर्ट भी कर पा रहे हैं. ठीक है. सिर्फ इंपोर्ट ही नहीं कर रहे हैं. ठीक है. कॉज बाई मच अ शार्पर 40% वाइडनिंग ऑफ द गुड्स ट्रेड डेफिसिट विच इज रिकॉर्ड टू हैव हिट $267 billion ड्यूरिंग द ईयर. ग्रोथ इन सर्विस एक्सपोर्ट्स ड्यूरिंग मार्च हैड स्लिप्ड टू अराउंड 3% फ्रॉम 29% इन फरवरी. तो मार्च में ये स्लिप कर गया था. ये ग्रोथ जो सर्विस एक्सपोर्ट्स में हो रहा था उस कितना अराउंड 3% स्लिप किया है 29% से फरवरी में जो था. हाउएवर एज पर द अप्रैल PMI प्रिंट अलॉन्ग विद अ सर्ज इन फ्रेश डिमांड एंड आउटपुट फॉर डोमेस्टिक सर्विसेज. मार्च में ये डिक्लाइन दिखा था लेकिन अप्रैल का जो PMI रिपोर्ट आया है उसमें दिखा है कि सर्ज हुआ है. फ्रेश डिमांड है आउटपुट फॉर डोमेस्टिक सर्विसेज. डोमेस्टिक सर्विसेज की डिमांड बढ़ रही है. आउटबाउंड डील्स ऑल्सो इंक्रीज. आउटबाउंड मतलब जो हम लोग इंडिया के बाहर भी जो डील कर रहे हैं, जो एक्सपोर्ट्स कर रहे हैं, वो भी काफ़ी इंक्रीज हुए हैं एट द हाइएस्ट पेस इन 3 months. तो लास्ट 3 months में ये सबसे हाइएस्ट पेस में काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं. ठीक है. दैट ऑफर्स सम कम्फर्ट एमिड अ स्ट्रेंथनिंग ग्लोबल स्लो डाउन इन मेजर मार्केट फॉर इंडियाज IT डोमिनेटेड सर्विस एक्सपोर्ट्स. तो ये काफ़ी कम्फर्ट प्रोवाइड करता है क्योंकि अभी आपको पता है ऑल ओवर जो वर्ल्ड है रिसेशन चल रहा है और उस सिचुएशन में अगर इंडिया का कोई सेक्टर काफ़ी ग्रोथ कर रहा है तो ये इंडिया के लिए क्या है? काफ़ी पॉजिटिव बात है, काफ़ी शांति की बात है, काफ़ी पीसफुल बात है कि ग्लोबल स्लो डाउन जो हो रखा है उसके बीच में भी इंडिया के सर्विस सेक्टर में स्ट्रेंथ आ रहा है, उसमें काफ़ी ज़्यादा बूस्ट आ रहा है. ओके. येट
द फ्लरी ऑफ क्राइसिस इन US एंड यूरोपियन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अ की क्लाइंटेल फॉर इंडियाज मेजर्स फॉर इंस्टेंस रिमेन्स अवरी. लेकिन फिर भी जो क्राइसिस US में चल रहा है, ठीक है, और जो यूरोपियन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में हो रहा है, जो कि इंडिया के मेजर क्लाइंटल है. क्लाइंटल का मतलब क्या है, जो इंडिया के काफ़ी मेजर इंपॉर्टेंट क्लाइंटल है, वो इंडिया के टेक मेजर के लिए काफ़ी ज़्यादा अभी भी चिंताजनक की बात है. क्योंकि वहाँ पर क्या हो रहा है, वहाँ पर रिसेशन चल रहा है, वहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा, तो वो इंडिया को भी इफेक्ट कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा करेगा. डैट सर्विसेज एक्सपोर्ट्स ग्रोथ कुड मॉडरेट गोइंग फॉरवर्ड इज कॉरोबोरेटेड बाई द लोअर अर्निंग गाइडेंस प्रोवाइडेड बाई IT कंपनीज एज वेल एज देयर एक्सटेंडेड डिथरिंग ओवर ऑन बोर्डिंग यंग रिक्रूट्स. तो अभी करेंट में क्या हो रहा है कि जो IT कंपनीज हैं ये डिथर कर रही हैं. डिथर करने का मतलब क्या होता है, वो लोग अभी भी सोच रही हैं कि हमें इन्हें रिक्रूट करना है, इन्हें रिक्रूट नहीं करना है. अभी आपने सुना होगा कि बहुत सारी IT कंपनीज ने रिक्रूट किया, ठीक है, फिर उन्होंने वापस रिवोक कर दिया, ठीक है, कि नहीं अभी हमारा प्रॉब्लम हो रहा है, अभी हम नहीं रिवोक नहीं आपको रिक्रूट कर सकते हैं. करेक्ट. तो ये प्रॉब्लम ऑनगोइंग चल रही है इंडिया में. तो अब जो ऑथर है वो थोड़ा डिमेरिट्स भी बता रहे हैं कि सर्विस सेक्टर में एक्चुअली कुछ डिमेरिट्स भी चल रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम्स भी चल रहे हैं, ठीक है. जो IT कंपनी से पहले जितना कमाई था, जितनी इनकम थी, जितनी हाई सैलरी थी, शायद आज वो भी नहीं रही है, ठीक है. और वो लोग भी डिथर कर रहे हैं कि उन्हें और यंग रिक्रूटर्स को रिक्रूट करना है या फिर नहीं करना है. The latter is part of an uncomfortable trend captured within the PMI reading. तो जो बाद वाला जो पार्ट है, ठीक है, ये बाद वाला पार्ट कहीं ना कहीं फर्स्ट पार्ट जितना सूदिंग इफेक्ट प्रोवाइड करता है, जितनी शांति देता है, जितना प्रोग्रेस दिखाता है, सेकेंड पार्ट उतना ही कंसर्न भी देता है, ठीक है, डिस्पाइट अप्रैल्स बूम. तो अप्रैल में इतना बूम होने के बाद भी ये कंडीशन है. जॉब क्रिएशन हैज़ रिमेन्ड नेग्लिजिबल. जॉब क्रिएशन में कोई भी इंप्रूवमेंट नहीं आया है. एंड इनपुट कॉस्ट हैव रिसर्ज. और जो यू कैन से प्रोडक्शन कॉस्ट है, ये जो इनपुट कॉस्ट है, वो सारा का सारा क्या हो गया, काफ़ी बढ़ गया है, ठीक है. नीदर ऑगर्स वेल फॉर सस्टेनिंग डोमेस्टिक डिमांड. तो इन दोनों में से, इन दोनों का कोई भी असर ऑब्वियस बात है हमारे डोमेस्टिक डिमांड के लिए अच्छा नहीं है, विच हैज़ ऑलरेडी टेकन अ हिट फ्रॉम हाई इन्फ्लेशन. और जो कि ऑलरेडी हाई इन्फ्लेशन की वजह से काफ़ी ऊँचा है, ठीक है. तो अब जो ऑथर का ये जो लास्ट पैराग्राफ है, आप ये कह सकते हैं थोड़ा नेगेटिव टोन है, ठीक है. ऑथर ने कहा कि बहुत ज़्यादा तारीफ हो गई, ठीक है, तो थोड़ा सा नेगेटिव टोन है. उससे पहले बट हमने देखा कि ऑथर क्या कर रहे थे, सिर्फ तारीफ करते बता रहे थे, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे थे कि सर्विस सेक्टर में कैसे बूम आया है और डिस्पाइट बीइंग रिसेशन इन ऑल ओवर द वर्ल्ड, इंडिया के सर्विस सेक्टर में कितना अच्छा प्रोग्रेस नज़र आ रहा है, ठीक है. तो दिस वॉज ऑल अबाउट टूडेज एडिटोरियल. डू लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड ऑल्सो कीप शेयरिंग द वीडियो टू योर फ्रेंड्स हू एवर इज गोइंग टू अपियर फॉर एनी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशंस. Thank you and have a nice day.